बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार उन्नति कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। जी हाँ, आज हम कवर करेंगे भारत का संविधान। इसका आज होने वाला है अंत। इसके बने हैं टोटल 4 वीडियो, ठीक है। और भी इतिहास, ज्योग्राफी, खेल कूद, इस लूसेंट बुक से संबंधित हम काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले ही इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है। ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बोलते हुए मुझे थोड़ा संकोच हो रहा है कि आपके लिए नहीं है, लेकिन ये सच में आपके लिए नहीं है। ये आपके लिए तब होगा जब आपके हाथ में ये बुक होगी। और इस वीडियो को देखते समय अगर आपके पास में बुक है और कोई अंडरलाइन करने के लिए अलग से कलर का कोई पेन है, जैसे ब्लू, रेड, ब्लैक या कोई हाइलाइटर है, तो आप इस वीडियो को देखिए। अभी समय है, फटाफट बुक जाके परचेज कर लीजिए आज या कल में। उसके बाद में लूसेंट सामान्य ज्ञान, लूसेंट जी के वीडियो की प्लेलिस्ट में जाना। वहां पर आपको जितने भी वीडियो मिलते हैं सब वीडियो को तरीके से देखना है। एक दिन में 15-20 वीडियो मत देखना, एक दिन में केवल एक वीडियो देखना और उसको कम से कम 2 से 3 बार देखना। और अपने नोट्स जो भी आप हाईलाइट करेंगे बुक में हाईलाइट करना है और उसको तुरंत ही याद करना है। और 7-7 डेज बाद अपनी बुक को इसको ढंग से रिवाइज करना है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब आपका रिविजन स्ट्रांग होगा। जब रिविजन स्ट्रांग होगा आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिलहाल मैं आज का ये वीडियो। तो आज का मैं ये वीडियो शुरू करता हूँ तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको कवर करवाऊंगा वो सब आपने देख लिए और हाईलाइट करते हैं हम आज के अपने ये टॉपिक को। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद, इससे पहले के पेजेस हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद। देखिए, योजना के निर्माण में क्या होता है कि देखो राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए। भाई, योजना का निर्माण कब होगा? जब राज्यों की भागीदारी होगी। और इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, क्वेश्चंस यहाँ पे ये पूछता है आपसे एग्जाम में। ये वर्ड्स आपको याद रखना है, 1952। आप कोई भी एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, ये बुक एक्चुअली हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ग्रेड डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पोस्टमैन का एग्जाम देते हो, या फिर आप एग्जाम देते हो SSC CGL का, या फिर आप एग्जाम देते हो स्टेट PCS का, चाहे उत्तराखंड PCS हो, चाहे मध्य प्रदेश PCS हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, कोई भी PCS का प्रीलिम्स एग्जाम में ये आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेगी। जी हाँ, GS पेपर 1 की बात कर रहा हूँ, जो आपका एग्जाम होता है, तो वहाँ पे ये बुक आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेगी। बस शर्त कंडीशंस ये है कि आप कुछ भी स्किप मत करना इसमें से। आपने याद कर लिया 1952, ठीक है, आपने याद नहीं करा 6 अगस्त, पर एग्जाम में दे दिया उसने 6 अगस्त 1952, 9 अगस्त 1952, आप कन्फ्यूज वहाँ पर। तो इसलिए आपको कंप्लीट जो फिगर दे रखी है आपको यही याद करनी है, 6 अगस्त 1952 को क्या हुआ था, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। तो आपको कंप्लीट येलो से हाईलाइट करना है अपने बुक को, उसके बाद में पेन से, किसी ब्लू पेन से इसका बॉर्डर बना देना, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, वरना फिर एक सिंगल एक लाइन डाल दीजिए उसके नीचे, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। अब हम बात करते हैं वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 280 में क्या हुआ है, वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। और वित्त आयोग का गठन का अधिकार किसको होता है, तो ये होता है राष्ट्रपति को। गठन कौन करता है, ये करता है राष्ट्रपति। और वित्त आयोग संबंध है अनुच्छेद 280 से। अब देखिए, वित्त आयोग, पहला वित्त आयोग नियुक्ति वर्ष 1951, ठीक है, और उसके बाद में इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपके KC नियोगी। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे आपसे ये पूछता है एग्जाम में, तो ये थे KC नियोगी। और सेकंड में थे आपके K संथा नाम, उसके बाद में AK चंदा। तो आपको पहला, दूसरा, तीसरा तीनों याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम दूसरा पूछता है, कभी कभी आपके एग्जाम में पहला भी पूछ लेता है। तो उसको पहला दूसरा दोनों ही याद करने हैं, और साथ में तीसरा भी याद कर लो, क्योंकि पता नहीं कि कब कहाँ से क्या पूछ ले। अब लोक सेवा आयोग का जो गठन हुआ था भारत में 1919 ईस्वी को भारत सरकार अधिनियम के अधीन, सबसे पहले 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। और लोक सेवा आयोग की स्थापना 1924 ईस्वी के विधि आयोग ने सिफारिश की थी कि एक लोक सेवा आयोग होना चाहिए। और उसके में 2 वर्ष बाद ही क्या हो गया, ये लोक सेवा आयोग की स्थापना हो गई। अब देखिए, हम बात करते हैं कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसकी हायरिंग कौन करता है, इसकी अगर पोस्ट कोई खाली होती है, रिक्त होती है, वैकेंट होती है, तो उसको कौन फिल करता है, उसको फिल करता है राष्ट्रपति। और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या
जो डिसाइड होती है वो करने की शक्ति किसके पास में होती है? राष्ट्रपति के पास में, और वर्तमान में इसकी संख्या 10 है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जो होती है वो होती है 6 वर्षों के लिए। हमें लगता है 5 वर्ष एग्जाम में आपको 5 वर्ष देगा, लेकिन आपको याद रखना है इसके अध्यक्ष 10 सदस्यों की जो नियुक्ति होती है 6 वर्षों के लिए होती है। इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। या तो 6 वर्ष पूरे कर चुका हो या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता हो, तो क्या होता है उसको इसके पद से मुक्त कर दिया जाता है। अब जैसे कि आपकी उम्र है 62 वर्ष, एक एग्जाम्पल लीजिए, आपकी उम्र है 62 वर्ष और आपको संघ लोक सेवा आयोग का एक अध्यक्ष बना दिया। जी हाँ, अध्यक्ष, सदस्य की बात नहीं कर रहा मैं, डायरेक्ट बोल रहा हूँ आपको अध्यक्ष। तो अब आपको पता है कि आपकी उम्र है 62 वर्ष, 6 वर्ष का कार्यकाल, लेकिन आप 65 वर्ष के जैसे हो जाएंगे तो आपको 6 वर्ष का कार्यकाल नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा केवल 3 वर्ष का कार्यकाल। आप काम संघ लोक सेवा आयोग में कितने वर्ष करेंगे? केवल 3 साल का। 62 से 63 1 साल, 63 से 64 2 साल आपको स्टार्ट होगा काम में, और 64 से 65 3 साल। ठीक है, जैसे ही 65 आपके वर्ष पूरे हो जाएंगे, आपकी उम्र 65 क्रॉस कर जाएगी, वैसे ही आपको मुक्ति मिल जाएगी संघ लोक सेवा आयोग से। ठीक है, तो ये चीज कंसेप्ट होता है। 6 वर्ष संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या फिर मेंबर सदस्य कोई भी होता है तो उसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, बस यहीं से क्वेश्चन पूछता है। अब हम बात करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु होता है। देखो, राज्य का जो होता है वो होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष, जबकि संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसकी उम्र जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। दोनों को मिक्स नहीं करना है। ठीक है, राज्य अलग है, संघ अलग है। ठीक है, राज्य अलग है, संघ अलग है। जैसे मैं बात करता हूँ यूपीपीएससी, यूपीपीएससी क्या है? राज्य लोक सेवा आयोग है, उसकी स्टेट लोक सेवा आयोग अलग है। और यूपीएससी जो बात करता हूँ, यूपीएससी जो ऑल ओवर इंडिया में वैकेंसी निकालता है, वो आपका आएगा संघ लोक सेवा आयोग। तो इसका जो भी अध्यक्ष या भी सदस्य होगा 6 वर्ष, जबकि राज्य का होगा आपका 62 वर्ष की उम्र तक होता है। तो अब देखिए, अनुच्छेद 317 के अंतर्गत राष्ट्रपति हटा सकते हैं किनको? इन सबको। अब हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग देखिए, संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है 6 से 65 वर्ष का होता है, और उसकी वेतन जो होता है, वेतन होता है 90,000 रुपये मासिक, वेतन याद रखना। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है? कमल, कमल। ठीक है, बीजेपी का, और उसके बाद कांग्रेस का जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पंजा टाइप का है, घड़ी वड़ी ये सब छोड़ दीजिए आप। ठीक है ना, बस केवल आप याद रखना यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त का वेतन भारत के संचित निधि में से दिया जाता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है, संचित निधि क्या होती है और बहुत कुछ। वो वीडियो शायद आपने देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं बड़ी आसानी से। अब देखिए, 22 मार्च 1999 ईस्वी की जारी अधिसूचना के अनुसार क्षेत्रीय दलों की संख्या कितनी है? संख्या है 36। और शिवसेना का जो एक्चुअली चुनाव चिन्ह है और किस राज्य का है? शिवसेना, आपने सुना होगा शिवसेना ने ये कर दिया, शिवसेना ने वो कर दिया, तो ये है इसका चुनाव चिन्ह, तीन तीर कमान और महाराष्ट्र। जैसे आपने अभी देखा होगा कुछ टाइम पहले वैलेंटाइन डे पर, तो क्या था, ये शिवसेना पार्कों में गई, कपल पार्कों में गई, कपल को निकाला, मारा पीटा, बहुत बदतमीजी करी शिवसेना के मेंबर ने, और ये काफ़ी चीज़ें जो थी हाईलाइट करी गई थी न्यूज़पेपर में, मीडिया ने बहुत उसको हाईलाइट करा, ये शिवसेना की गुंडागर्दी चल रही है वगैरह वगैरह बहुत कुछ बोला। तो शिवसेना के बारे में आपको पता होगा, बाल ठाकरे, याद आया? बिल्कुल याद नहीं आया तो शायद आपका जो महाराष्ट्र से संबंध बहुत कम है, तो आप महाराष्ट्र के बारे में सर्च करेंगे तो शिवसेना आपको जरूर मिलेगी देखने के लिए राजनीति दल में, बहुत ही फेमस दल है। फिर हमारा मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग का जो चुनाव चिन्ह है वो है सीडी, और राज्य है इसका केरल। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो थी ईवीएम, ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है? वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसमें आप बटन प्रेस करते हैं आपको वोट पड़ जाता है। इसका प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य कौन था? प्रथम राज्य था आपका केरल। कौन था? केरल, याद रहेगा। केरल में पहली बार जो था ईवीएम मशीन का यूज हुआ विधानसभा उपचुनाव में, कब हुआ था? 1982 में। और इस मशीन का प्रयोग करके पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य कौन बना था ढंग से, जिसने सारे चुनाव कराए थे इस मशीन के द्वारा? तो वो था गोवा। अब हम बात करते हैं परिसीमन आयोग, क्या परिसीमन आयोग? देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 में संशोधन कर
परिसीमन पर वर्ष 2000 तक के लिए रोक लगा दी गई। और परिसीमन आयोग का गठन 2002 में हुआ था, 12 जुलाई और 2002 को न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह अध्यक्षता में किया गया था और इस आयोग की सिफारिशों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 जनवरी 2008 को मंजूरी प्रदान की थी। ठीक है, और देखिए परिसीमन एक्चुअली क्या होता है बताना चाहूंगा मैं आपको, आपको शायद कन्फ्यूजन हो रही होगी तो पढ़ते हैं। देखिए संविधान में परिसीमन आयोग के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है, इसके बारे में कहीं भी कोई डिस्कस नहीं है एक्चुअली संविधान में। देखिए अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्समायोजन का कार्य संसद द्वारा विहित अधिकारी द्वारा किए जाने का प्रावधान है। तो ये सब एक आयोग होता है जो फिलहाल इन सबको कार्यभार को संभालता है, देख रेख में किसके होता है, परिसीमन आयोग के अंतर्गत। अब देखिए हम बात करते हैं नए परिसीमन आयोग में एक आरक्षित सीट भी है, अनुसूचित जनजाति के लिए 79 है वर्तमान में और नए परिसीमन के बाद आरक्षित सीट हुई 84। तो फिलहाल अनुसूचित जनजाति, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली बनता है आपका स्टेट पीसीएस के लिए पेपर वन में, एक्चुअली बाकी ये एग्जाम में नहीं आएगा तो आप ये ध्यान रखना परिसीमन वगैरह। अब हम बात करते हैं राजभाषा के बारे में, राजभाषा का जो संबंध है वो है भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी, और लिपि क्या होगी, लिपि होगी इसकी देवनागरी, लिपि क्या होगी, देवनागरी। और संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, कौन सी सूची में, कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, तो यह है आपकी 8वीं अनुसूची। ठीक है, अब 92वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये कब हुआ था, ये हुआ था 2003 में और इसके द्वारा ये हुआ था कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कुछ भाषाओं को, कुछ लैंग्वेज को ऐड करा गया, जोड़ा गया। ठीक है, कौन सा संशोधन था जिसमें जिसमें अनेक भाषाओं को जोड़ा गया, तो वो थी आपकी 92वां संशोधन, कब हुआ था, 2003 में, और 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भाषाओं से संबंधित है। आगे हम बात करते हैं राज्य की भाषा, तो संविधान के अनुच्छेद 345 के अधीन प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया है कि 8वीं अनुसूची में अंतर्विष्ट भाषाओं में से, जो उसके स्टेट के अंदर बोली जाती है भाषा, उसमें से किसी एक या अधिक को सरकारी कार्यों के लिए राज्य की सरकारी भाषा के रूप में अंगीकार कर सकता है, किंतु राज्य के परस्पर संबंधों में तथा संघ तथा राज्य के परस्पर संबंधों में संघ की राजभाषा को ही प्राधिकर भाषा माना जाएगा। आपात उपबंध, तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं और कौन से आपातकाल का कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है, ये आपको याद रखना है। जैसे कितने आपातकाल होते हैं, 3। एग्जाम में पूछता है आपसे कि भारतीय संविधान में कुल कितने आपातकालों का उल्लेख करा गया है, जिक्र करा गया है, या कितने प्रकार के आपातकाल समाहित हैं भारतीय संविधान में, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल है, अनुच्छेद है इसका 352। अब इसमें 4 और ऐड कर लो, आपको याद रखना है 352, फिर 4-4 ऐड करते रहो, 352 में 4 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 356। तो ये है आपका राष्ट्रपति शासन, 356 में ऐड कर लो 4, कितना आ गया, 360, 360 है आपका वित्तीय आपात। पहला राष्ट्रीय, फिर राष्ट्रपति, फिर आपका वित्तीय, वित्त मतलब जब फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाती है तो आता है आपका वित्तीय आपातकाल लग जाता है इसमें। अब देखिए राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की घोषणा 1 माह तक परिवर्तन में रहती है, मतलब 1 माह तक ये इम्प्लीमेंट होगी और उसके बाद में यदि इस दौरान इसे संसद के 2/3 बहुमत से अनुमोदित करवा लिया जाता है तो वह 6 माह तक और चल सकती है और पूरे भारत में अप्लाई हो सकती है। आपातकाल लगेगा पहले 30 दिन का, 30 दिन के अंतर्गत अगर लग रहा है कि सिचुएशन नहीं संभल रही है भारत की, आपातकाल और भी जरूरी है, आगे इसको एक्सटेंड करना है, तो उसमें क्या होगा, उसमें 2/3 बहुमत मिलेगा, उसके बाद में डायरेक्ट उसको 6 मंथ के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा। संसद इन्हें पुनः 1 बार में 6 महीने तक बढ़ा सकता है। उसके बाद में देखिए अनुच्छेद 358-359 राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार का प्रावधान का वर्णन करते हैं और अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। तो मूल अधिकारों का जो निलंबन होता है अनुच्छेद 19 द्वारा, जो भी इसमें मूल अधिकार दिया गया उसका निलंबन हो जाता है, मतलब कैंसिल हो जाते हैं। तो कभी
उसके बाद में देखिए कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978, अनुच्छेद 359 के क्षेत्र में दो प्रतिबंध लगाता है। और यहाँ पे देखिए दूसरी बार आपात की घोषणा कब करी गई थी, ये करी गई थी 1971 में। और प्रथम घोषणा करी गई थी चीनी आक्रमण के दौरान, कब करी गई थी, 1962 में। पहला 1962, सेकंड लगा 1971, तीसरा लगा आपका 1975, और दूसरी तथा तीसरी उद्घोषणा को मार्च 1977 में वापस ले लिया गया। फर्स्ट आपातकाल, सेकंड और थर्ड, ये सभी आपको वर्ष याद रखने हैं। सबसे पहले पंजाब राज्य में आर्टिकल 356 का प्रयोग किया गया, ठीक है। 356, 352 के बाद में राष्ट्रपति शासन है, ठीक है, अभी बताया था ना मैंने आपको। देखिए 356 क्या है, राष्ट्रपति शासन। पहला क्या है, राष्ट्रीय आपात। तो ये आपको सबके सब टिप्स में याद रखने हैं, कौन सा आर्टिकल किससे संबंधित है। अब सर्वाधिक समय तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग जम्मू कश्मीर में रहा है, राष्ट्रपति शासन सबसे ज्यादा कहाँ लगा है, तो ये लगा है आपका जम्मू कश्मीर में। अब हम बात करते हैं वित्तीय आपातकाल एक्चुअली कभी नहीं लगा आज तक, ठीक है। शपथ तथा त्याग पत्र किसको मिलते थे, राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है। एग्जाम में कभी कभी ये पूछ लेता है क्वेश्चन कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है, तो ये दिलाता है मुख्य न्यायाधीश। और त्याग पत्र रिजाइन किसको देगा, ये देगा अपने, रिजाइन देगा उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। और त्याग पत्र देगा ये राष्ट्रपति को, राज्यपाल राष्ट्रपति को देगा, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को देगा, और ये शपथ वाला, ये सब आप याद कर लेना इसको अच्छे से, ठीक है। दो तीन बार इसको देखेंगे ना अगर आप वीडियो को, तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा अच्छे से। तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह कौन कौन से हैं, एक्चुअली राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बात करते हैं। तो भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया था। और राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक है आपका अशोक सिंह स्तंभ जो है वो है। और इसमें राष्ट्रीय फ्लैग के बारे में बात करते हैं हम लोग, राष्ट्रीय फ्लैग जो है हमारा, इसमें तीन पट्टियों वाला तिरंगा होता है, गहरा केसरिया ऊपर होता है, सफेद बीच में होता है, और गहरा हरा क्या होता है सबसे नीचे, पहले ऊपर टॉप में होगा केसरिया, नीचे होगा सबसे लास्ट में हरा, बीच में आपको व्हाइट पता ही होगा, लेकिन एग्जाम में आपसे पूछता है टोटल स्कोप कितने हैं, तिल्लियों को बोलते हैं स्कोप, तो एग्जाम में आपको स्कोप बोलता है कि राष्ट्रीय ध्वज में टोटल कितने स्कोप है। 24 तिल्लियां होती है, जो सेंटर पे गोल चक्र बना होता है ना उसमें छोटी छोटी तिल्लियां होती हैं, तो कितनी होती हैं, 24। काफी बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से पता होगा। अब देखिए अनुपात के बारे में बच्चे कन्फ्यूज होते हैं मैक्सिमम, की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है। अब जैसे मैं यहाँ पर कोई अगर फ्लैग बनाता हूँ, तो ये हमारी लंबाई हो गई, ठीक है, और ये हो गई हमारी चौड़ाई, तो लंबाई 3 और चौड़ाई कितनी होगी, 2, तो 3:2 का रेशियो इसमें रहेगा। मतलब लंबाई मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर की चौड़ाई, ठीक है, 3:2 मतलब 32। राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक के समय क्या करते हैं, झुका देते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को 12 दिनों तक झुकाया जाता है। कितने डेज तक, 12 दिन तक। और पूर्व अगर कोई एक्स कोई सर्विस मैन है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उस टाइम पे अगर उनका निधन होगा तो होगा 7 डेज के लिए। 7 डेज के लिए एक्स सर्विस मैन जो भी होते हैं, और जो अगर करंटली वर्किंग है और उनका देहांत हो जाता है, निधन हो जाता है, तो उस टाइम पे 12 दिनों के लिए फ्लैग को झुका देते हैं। अब देखिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार प्रदर्शन जो हुआ था 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में हुआ था। अब हम बात करते हैं नेशनल एंथम, राष्ट्रगान। राष्ट्रगान लिखा था आपका रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, रची जो है जनगण मन अधिनायक जय जय है, वो है आपका राष्ट्रगान। और 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया, और इसका गायन समय क्या है, 52 सेकेंड, और संक्षिप्त मतलब शॉर्ट में अगर ये बोला जाएगा तो ये बोला जाएगा 20 सेकेंड में। स्टार्टिंग लाइन जो होती है जैसे जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, तो इस टाइप की जो स्टार्टिंग में जो लाइन है वो है आपकी 20 सेकंड। अब हम बात करते हैं सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण दत्त में गाया गया, और इसे रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1912 ईस्वी में तत्व बोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया, और 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। तो यही था हमारा राष्ट्रगान। अब राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत जो लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में उन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। कब करा गया, 26 जनवरी 1950 को।
और 1896 ईस्वी में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन जो हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? रहीम तुल्ला सयानी। भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से और समापन होता है वंदे मातरम से। तो भारतीय संसद के अधिवेशन की शुरुआत कहाँ से होती है? वो होती है जनगण मन से, और अंत कहाँ पे होता है? वंदे मातरम। ठीक है, ऐसे नहीं वंदे मातरम ऐसे नहीं बोलते, तरीके से जो पूरा का पूरा जो ये है वो ढंग से गाया जाता है वहां पर। राष्ट्रीय पुष्प कमल, पक्षी है मयूर और पशु है बाघ, फल है हमारा आम, वृक्ष हमारा बरगद। राष्ट्रीय जलीय जीव, 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, और प्राकलन समिति, इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष के लिए होता है। प्राकलन समिति में टोटल कितने मेंबर होते हैं? क्वेश्चन साहब ये बनता है, तो वो होते हैं 30, और उनका कार्यकाल होता है मात्र 1 वर्ष के लिए। प्राकलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में ज्ञात इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा, 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा, 1 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। इसे लघु लोकसभा भी कहते हैं। तो लघु लोकसभा किसको बोलते हैं? तो ये क्वेश्चन सबके एग्जाम में पूछता है, तो बोलते हैं लोक लेखा समिति को, या फिर प्राकलन समिति को। ठीक है, प्राकलन समिति को क्या बोलते हैं? लघु लोकसभा। पंचायती राज, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। पंचायती राज का सबसे पहले जो गठन हुआ था वो हुआ था 1959 में, और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था ये। और 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज प्रारंभ किया। पंचायती राज का प्रारंभ कहाँ पे हुआ था सबसे पहले? वो हुआ था राजस्थान में, राज्य था इसका नागौर जिला। 73वां संशोधन क्या कहता है? तो इस संशोधन में क्या हुआ था? पंचायती राज से ये संबंधित है। तो 53वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये है आपका पंचायती राज से, भाग 9। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 का से अड़ा तक अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया। अब हम बात करते हैं कि कुछ समिति बनाई गई थी और उनका गठन कब हुआ था, और ये सब थी पंचायती राज में सुधार लाने से संबंधित। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है, आपको 4 ऑप्शन देगा, आपको याद रखना पंचायती राज सुधार से इसका संबंध है। उसके बाद हम बात करते हैं अशोक मेहता, ये सभी आपने समिति वैसे ध्यान से देखी होगी। अब जैसे 73वां संविधान संशोधन ये बताया था मैंने आपको अभी यहाँ पे सामने, तो यही आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसका संबंध किससे है, तो ये है आपका पंचायती राज्य व्यवस्था में सुधार हेतु। और इसकी गठन का वर्ष आपको याद करना है। ठीक है, 1957 बलवंत राय, 1977 अशोक मेहता, 85 है आपका पीवी के राय समिति, 73 जो संशोधन हुआ था वो हुआ था 1993 में। और अभी एक्चुअली जो हाल फिलहाल जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ये और ये इम्पोर्टेंट है दोनों। अगर आपने कभी रियल एग्जाम दिया होगा या कभी मॉक टेस्ट वगैरह देते होंगे, तो वहाँ पे आपको ये सब क्वेश्चन फेस करने को पक्का मिलते होंगे। अब हम बात करते हैं इसका कार्यकाल 5 वर्ष डिसाइड करा गया, और पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन इसका हो जाता है। देखिए 54वां, अगेन 74, अभी हम देखा ना 64, अब आगे यहाँ पर फिलहाल 74। तो 74वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें क्या क्या हैं? नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 भाग स्थान आरक्षित होता है, और नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। और 53वां, देखिए नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 भाग स्थान आरक्षित करा गया है, और नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? ये होता है 5 वर्ष का। और 53वां संविधान संशोधन अधिनियम 24/4/1993 ईस्वी से 74वां संविधान संशोधन 1/6/1993 ईस्वी से प्रवर्त हुआ है। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण शब्दावली क्या क्या होती है। शून्यकाल किसको बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। तो शून्य काल होता है 12 बजे प्रारंभ होता है और 1 बजे दिन तक चलता है। 12 से 1 बजे का जो कार्यकाल होता है वो कहलाता है शून्य काल। उसके बाद में तारांकित प्रश्न, मतलब होते हैं स्टार वाले क्वेश्चन, कि जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य क्या होते हैं तुरंत सदन में चाहते हैं, तो तुरंत क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका रिप्लाई तुरंत करना पड़ता है। एक होते हैं अतारांकित, इसका उल्टा, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य क्या करता है लिखित में देता है, मतलब सोच समझ के लिखता है। तुरंत का मतलब सोचने का समय कम मिलता है, इसका रिप्लाई करना पड़ता है उसको तुरंत। तारांकित मतलब तुरंत, अतारांकित मतलब अतुरंत, मतलब लिखित में देगा सोच समझ करके, लोगों से सलाह मशवरा करके।
फिर हम बात करते हैं आपसे संचित निधि क्या होती है। अभी मैंने आपको बताया कि जो भी वेतन वगैरह होते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महालेखा इन सब वगैरह जो भी हायर रैंक पे पोस्ट होती है उन सबके वेतन मिलते हैं आपसे। कहाँ से मिलते हैं उनके वेतन वगैरह भत्ते वगैरह वो निकाले जाते हैं संचित निधि से। अब देखिए संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 266 किससे संबंधित है, तो यह है आपका संचित निधि से। और संचित निधि से धन धन जो होता है मनी जो होती है संसद में प्रस्तुत अनुदान मांगों के द्वारा ही व्यय किए जाते हैं। राज्यों को करों शुल्कों में से उनका अंश देने के बाद जो धन बच जाता है जो रिजर्व हो जाता है उसको निधि में डाल दिया जाता है। तो इन सबके वेतन जो होते हैं आपके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि के वेतन भत्ते इसी निधि पर भारित होते हैं। आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि जो होती है वो अनुच्छेद 267 के अनुसार होती है। और ये निधि क्या होती है, देखिए भारत सरकार एक आकस्मिक निधि की स्थापना करेगी। इसमें जमा धनराशि का व्यय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। संसद की स्वीकृति के बिना इस मद से धन नहीं निकाला जा सकता। विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति अग्रिम रूप से इस निधि से धन निकाल सकता है। अब लगा लो कि कहीं पर बहुत बड़ी जान माल की हानि हुई, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हो गया, लोग भूखे मर रहे हैं, पूरी त्रासदी फैली पड़ी है, तो वहां से आकस्मिक निधि से एक फंड निकाला जाएगा और वहां के लोगों की हेल्प करी जाएगी। तो ये सब फंड वगैरह रखना पड़ता है, एमरजेंसी से बोलते हैं। बस इसमें फिलहाल आपको एक प्रश्न काल क्वेश्चन आर देखना है। देखिए दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के एक घंटे तक क्वेश्चन आर चलता है और उनके उत्तर दिए जाते हैं, इसको बोलते हैं क्वेश्चन आर मतलब प्रश्न काल। अब देखिए संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 1 जो है इसमें राज्यों का संघ ये कहा गया है भारत को। अनुच्छेद 5 जो है इसमें संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे जिनका जन्म कहाँ पे हुआ, जन्म हुआ भारत में। और 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, तो ये होती है आपकी राष्ट्रपति में। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पद अधिकारी होता है। अनुच्छेद 64 इससे संबंधित है। 74 है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके शीर्ष पर कौन होगा मंत्री, सॉरी जिसके शीर्ष पर कौन होगा, उसके शीर्ष पर होगा प्रधानमंत्री। बस यहीं तक आपको हाईलाइट करना है। 110 धन विधेयक को इसमें परिभाषित किया गया है। 123 है संसद के अवकाश में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। संसद अगर लीव पर है, संसद अगर जारी नहीं है, संसद का कोई भी सेशन नहीं हो रहा है, फिर भी क्या करता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने का अधिकार रखता है। तो ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है, ये आर्टिकल है आपका 123, कौन सा 123। 124 जो आर्टिकल है इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन करा गया है। अनुच्छेद 214 सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था होगी, ये कहता है आर्टिकल 214। 248 कहता है कि विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित होती है। और 275 केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान होता है। अनुच्छेद 300 कह राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। अगर किसी के पास संपत्ति है तो राज्य का कोई अधिकार नहीं कि उसकी संपत्ति को हथिया ले, अपना कब्जा उसमें जमा ले। तो ये कहता है अनुच्छेद 300। अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। अनुच्छेद 332 इससे संबंधित है कि अनुसूचित जातियां और जनजातियों का विधानसभाओं में आरक्षण का एक प्रावधान दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है 332। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना होगी। 338 क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग की इसमें स्थापना होगी, ये जनजाति है, दोनों में ध्यान होना कि 338 है तो सही, लेकिन कै जो है वो है अनुसूचित जनजातियों के लिए और 338 है आपका अनुसूचित जातियों के लिए। दोनों को कंफ्यूज मत करना, दोनों को मर्ज मत कर लेना, ये अलग है ये अलग है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों में बहुत फर्क होता है। अनुच्छेद 352 358 60 352 में चार जोड़ो 356 356 में चार जोड़ो 360 अभी आपको बताया था मैंने आपातकाल के बारे में। 368 है संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है। 378 है जम्मू कश्मीर, तो आर्टिकल 378 में क्या है, ये ऐसा आर्टिकल है जिसमें जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है, विशेष अधिकार दिए गए हैं। 371 में क्या होता है कि कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर सकता है। राष्ट्रपति कोई बोर्ड अगर बनाना चाहता है तो बना सकता है,
जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर इत्यादि। 394 क्या कहता है कि राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा। संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन, पहला संशोधन हुआ था 1951 में, सेकंड हुआ था 1952 में। जनगणना के आधार पर लोकसभा के प्रतिनिधित्व का पुनर्व्यवस्थित किया गया। और दूसरा तीसरा ये कब हुआ आप ये देख लेना, संशोधन तो बहुत सारे हुए थे लेकिन इम्पोर्टेंट इसमें जो है वही मैंने हाईलाइट करे हैं। 10वां जो संशोधन है इसके अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली अंत क्षेत्र दादर एवं नागर हवेली में भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। फिर है आपका 21वां, ये हुआ था 1967 में। इसमें क्या हो गया था, 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया, ठीक है। सिंधी भाषा को कौन से संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल करा गया, तो ये था आपका 21वां। 31वां भी है 1973, इसमें क्या हुआ, इसमें एक्चुअली सदस्यों की संख्या क्या करी 521 से 545 हो गई और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटा करके 20 कर दिया। तो इसमें जो सदस्यों की जो संख्या का फेरबदल जो हुआ वो हुआ था 31वां संशोधन में, और ये कब हुआ था 1973 में। 61वां हुआ था 1989 में, और ये इम्पोर्टेंट है इसमें मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी, ठीक है। याद रखना क्या करा, 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी, कितनी 18 वर्ष। 71वां 1992 में हुआ था 8वीं अनुसूची में, कुछ भाषाओं को इसमें क्या करा गया, सम्मिलित करा गया। कौन कौन सी भाषा है, कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषा। 53वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये इस टाइम पे प्रवर्त हुआ था। 86 जो हुआ था वो हुआ था 2002 में, और इसमें करा गया था निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता। और उम्र क्या रखी गई थी इसमें, उम्र रखी गई थी 6 से 14 वर्ष तक की आयु को अनिवार्य शिक्षा मिलेगी, वो भी मिलेगी फ्री में निःशुल्क। 91वां संशोधन था 2003 में, दल बदल व्यवस्था में संशोधन इसमें करा गया। और आपका 92वां 92 मतलब 2003 में हुआ था, और इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा था आपका संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली भाषाओं का समावेश करा गया, ठीक है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। इस चैनल पर आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, ढेर सारी किताबों की कंप्लीट वीडियो। पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हैं, इस वीडियो को चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो डैम श्योर मैं आपको पक्का वादा करता हूँ कि आपको ये चैनल बहुत बड़ी हेल्प करेगा। लेकिन किंतु परंतु आप खुद डिसाइड करिए ये हेल्प करेगा या फिर नहीं करेगा, ये काम मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ पर देखिए कौन कौन से वीडियो आपके लिए यूजफुल है। अगर ये चैनल आपके लिए यूजफुल हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेगा तभी जब आप करेंगे बेल आइकन पर क्लिक। जी हाँ, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन पर क्लिक नहीं करते हैं तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो के लिंक को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या व्हाट्सएप पर सेंड करिए, लोगों को दूर तक इस वीडियो को पहुँचाइए। इसी के साथ लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।